हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल होम लॉजिका। आज हम आपके लिए पुनावली लोकेशन से एक न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट का सैंपल फ्लैट का टूर लेकर आए हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले नए प्रोजेक्ट के अपडेट आपको इसी तरीके से मिलते रहे। नीचे आप जो फेसबुक और इंस्टा आईडी देख रहे हैं वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको फुल लेंथ एंड शॉर्ट लेंथ सैंपल फ्लैट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। इस लोकेशन को बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाती है ताथावड़े, वाकड़, हिंजेवाड़ी, रावेत और केवले जैसी लोकेशन से, साथ ही मुंबई बेंगलोर हाईवे से भी ये वेरी वेल कनेक्टेड है। जरूरत की सारी चीजें जैसे कि स्कूल एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स और डेली ग्रोसरीज, ये सब भी आपको नज़दीक पर ही मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको एक फ्लोर पर चार ही फ्लैट मिलेंगे, जहाँ पर आपको 2, 2.5 एंड 3 BHK के ऑप्शंस मिलेंगे। 2 BHK का कारपेट एरिया है 750 square feet का, वहीं 2.5 BHK में आपको 850 square feet का कारपेट मिलेगा और 3 BHK में आपको 1000 square feet का वेरियंट मिलने वाला है। प्राइसिंग हम आपको वीडियो के एंड में रिवील करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सैंपल फ्लैट का टूर। सो अभी हम देख रहे हैं 3 BHK के सैंपल फ्लैट को, जिसका कारपेट एरिया है 997 square feet का। एंट्रेंस पर हमें मिलता है वीडियो डोर फोन, जिसे हम मल्टीपल वेज से एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको काफ़ी प्रीमियम फिनिश का यहाँ पर एंट्रेंस डोर मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको जो एजेस रहेंगे वो मोल्डेड मिलने वाले हैं और यहाँ पर आपको रबर सीलिंग भी लगा के दिया जाएगा। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। अंदर आने के बाद में हमें मिलती है एंट्रेंस लॉबी, जिसका साइज है 4.6 by 4.6 का और इस लॉबी से आपको कंप्लीट प्रिवेसी मिलती है डोर पर आए हुए किसी भी विजिटर से। यहाँ पर आप चाहें तो अपना शू रैक का भी प्रोविजन कर सकते हैं या फिर इस स्पेस को आप आर्टिफैक्ट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। अंदर आने के बाद में हमें मिलता है स्पेशियस लिविंग कम डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है 20.6 by 11.6 का। अगर अपने हम लिविंग एरिया में सीटिंग के अरेंजमेंट को देखें तो इस तरफ आप अपना एक 4 to 6 seater सोफा का प्रोविजन कर सकते हैं। बीच में आप चाहें तो अपनी सेंटर टेबल भी लगा सकते हैं और सामने की वॉल पर आपको टीवी यूनिट का प्रोविजन करके दिया जाएगा। इस तरफ आ जाता है हमारा डेडिकेटेड डाइनिंग एरिया, जहां पर आप आराम से एक 6 seater डाइनिंग टेबल का प्रोविजन कर सकते हैं। इसी से अटैच हमें मिलती है बालकनी। आ जाइए एक बार अपनी हम बालकनी को देखेंगे। तो इस तरफ आ जाती है हमारी बालकनी, इसका साइज है 10 by 5.5 का और ये बालकनी भी हमको 3 साइड से कवर्ड ही मिलेगी, जिससे यहाँ पर भी आपको कंप्लीट प्रिवेसी मिलेगी। आप यहाँ पर जो स्लाइडिंग डोर्स देख रहे हैं ये भी आपको वॉल टू वॉल दिए गए हैं, जिससे आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन देखने को मिलेगा। साथ ही मॉस्किटो को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको मेस भी दिया गया है। फ्लोर पर हमें जो टाइल्स दिए गए हैं वो एंटी स्किड रहने वाले हैं और इस तरफ आपको मेटल फ्रेम की रेलिंग दी जा रही है, जहाँ पर आपको टफन ग्लास लगा के दिया जाएगा, जहाँ से आप अपने हाई राइज व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। सो हमारे लिविंग और डाइनिंग एरिया से लगा हुआ है हमें मिलता है स्पेशियस किचन, जिसका साइज है 13.6 by 8 का विद इनक्लोज ड्राई एरिया और यहाँ पर आपको सिंगल प्लेटफॉर्म दिया गया है ग्रेनाइट काउंटर टॉप का। इसको आप चाहें तो एल शेप में एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर अपने हम यहाँ पर अरेंजमेंट को देखें तो इस तरफ आपको रेफ्रिजरेटर यूनिट का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। साथ ही हमारे किचन अप्लायंसेस को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको इनफ पावर पॉइंट भी दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो वॉल टाइल्स दिए गए हैं वो लेंटिल हाइट तक दिए गए हैं, जिससे यहाँ पर आपको क्लीनिंग में किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। साथ ही इस तरफ आपका गैस स्टोव आ जाता है और यहाँ पर आपको चिमनी का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। इस तरफ आ जाता है हमारा SS सिंक ड्रेनेज बोर्ड के साथ में, जहाँ पर आपको एक मूवेबल टैप दिया गया है। साथ ही यहाँ पर भी आपको वाटर प्योरीफायर का प्रोविजन करके दिया जाएगा। इस तरफ आप जो विंडो देख रहे हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया जाएगा। प्लस हमारे ड्राई एरिया को ध्यान में रखकर यहाँ पर आपको एक टाइल ड्रॉप दिया जाएगा और यहाँ पर भी आपको एक वॉशिंग मशीन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है, इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट के साथ में। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे। तो इस तरफ आ जाता है हमारा पहला बेडरूम, जिसका साइज है 10.6 by 10 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक डबल बेड और कॉर्नर टेबल लगाकर दिखाया गया है। प्लस सामने की तरफ आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक वार्डरोब यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं। यहाँ पर हमको जो विंडो दिए गए हैं वो आपको वॉल टू वॉल दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आपको मॉस्किटो मैस के साथ में आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर बाहर की तरफ ग्रिल्स भी इंस्टॉल करके दिए जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर आपको हर रूम में बे विंडो का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, जहाँ से बैठ के आप अपने बाहर के व्यू को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये हमारे कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं है। आ जाइए अपने हम आगे के एरिया को देखेंगे।
सो इस तरफ आता है हमारा कॉमन एरिया, मेरे राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम। आ जाइए, सबसे पहले हम अपने कॉमन वॉशरूम को देखेंगे। सो इस तरफ आता है हमारा कॉमन वॉशरूम और यहाँ पर मिलने वाले हमारे वॉशरूम्स 8x5 साइज के रहने वाले हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा वॉश बेसिन जहाँ पर आपको मार्बल फिनिश काउंटर टॉप दिया गया है। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं। इस तरफ आ जाता है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट और यहाँ पर आपको बेदिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। यहाँ पर मिलने वाले सीपी और सैनिटरी वेयर हमारे जगवार और हिंदवेयर के रहने वाले हैं। प्लस ये जो आप वॉल टाइल्स देख रहे हैं ये आपको सीलिंग हाइट तक मिलेगा और ऊपर आपको फॉल सीलिंग करके दिया जाएगा। फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहेंगे और इस तरफ आप जो विंडो देख रहे हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया जाएगा। इसके ठीक सामने है हमारा सेकंड बेडरूम, आ जाइए एक बार हम उसको देखेंगे। सो इस तरफ आता है हमारा सेकंड बेडरूम जिसका साइज है 12x10.6 का, जहां पर आप देख सकते हैं आपको एक किंग साइज बेड और कॉर्नर टेबल लगाकर दिखाया गया है। उसके बाद में आपको यहां पर कितनी जगह मिलती है, आप चाहें तो कुछ इस तरीके से सामने की वॉल पर अपना वार्डरोब यूनिट का भी प्रोविजन कर सकते हैं। इस तरफ हमारे अर्लियर बेडरूम के जैसे ही आपको वॉल टू वॉल विंडो मिलेंगे और यहाँ पर भी आपको बे विंडो का कॉन्सेप्ट करके दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमें मिलता है अटैच वॉशरूम हमारे अर्लियर वॉशरूम के जैसे ही, यहाँ पर भी आपको सिमिलर फिक्स्चर्स एंड फिटिंग्स देखने को मिलेगा। आप इसको एक बार देखते हुए हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ आ जाइए। सो इस तरफ आता है हमारा ह्यूमंगस मास्टर बेडरूम जिसका साइज है 13.6x11.6 का। आप देख सकते हैं किंग साइज बेड और कॉर्नर टेबल लगाने के बाद भी आपको यहाँ पर इनफ स्पेस मिल जाता है टू रोम अराउंड। सामने की तरफ आप चाहें तो कुछ इस तरीके से अपना एक बड़े से वार्डरोब यूनिट का प्रोविजन कर सकते हैं। प्लस इस तरफ आपको टीवी यूनिट का भी प्रोविजन करके दिया जा रहा है। इस तरफ आप चाहें तो अपनी ड्रेसिंग टेबल या फिर वर्क स्टेशन का भी प्रोविजन कर सकते हैं। प्लस हमारे अर्लियर बेडरूम के जैसे ही यहाँ पर भी आपको वॉल टू वॉल विंडो मिल रहा है जिससे आपको भरपूर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। प्लस यहाँ पर भी आपको बे विंडो का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है हमारे अर्लियर बेडरूम के जैसे ही। इसी से अटैच हमें मिलता है मास्टर वॉशरूम, आ जाइए एक बार अपने मास्टर वॉशरूम को देख लेते हैं। सो इस तरफ आता है हमारा अटैच मास्टर वॉशरूम जहां पर आपको एक प्रीमियम वॉश बेसिन दिया गया है मार्बल फिनिश काउंटर टॉप के साथ में। नीचे की तरफ आप चाहें तो अपना स्टोरेज यूनिट भी बना सकते हैं। इस तरफ आता है हमारा वॉल माउंट वाटर क्लोजेट और यहाँ पर आपको बेदिंग का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। आप ये जो वॉल टाइल्स देख रहे हैं ये भी काफी रिच और ग्लॉसी फिनिश वाले हैं जो कि आपको सीलिंग हाइट तक मिलेंगे। ऊपर आपको फॉल सीलिंग करके दिया जाएगा एंड फ्लोर पर मिलने वाले टाइल्स हमारे एंटी स्किड रहने वाले हैं। यहाँ पर मिलने वाले सीपी एंड सैनिटरी वेयर हमारे जगवार और हिंदवेयर के रहने वाले हैं। प्लस इस तरफ आप जो विंडो देख रहे हैं इससे भी आपको प्रॉपर सनलाइट और वेंटिलेशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन करके दिया जा रहा है। अगर हम प्रोजेक्ट के डिटेल्स को देखें तो 3 एकड़ के लैंड पार्सल में 20 फ्लोर्स के 4 टावर्स डेवलप करके दिए जाएंगे और इसका पोजीशन है दिसंबर 2025 का। यहां पर आपको सारी प्रीमियम एंड लेविश एमिनिटीज देखने को मिलेंगी इंक्लूडिंग स्विमिंग पूल। अगर हम प्राइसिंग को देखें तो 2 BHK की प्राइसिंग शुरू होती है 59 लाख ऑनवर्ड्स, 2.5 BHK की प्राइसिंग शुरू होती है 70 लाख ऑनवर्ड्स एंड 3 BHK की प्राइसिंग शुरू होती है 81 लाख ऑनवर्ड्स ऑल इंक्लूसिव। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर साइट विजिट करना है तो आप हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि हमारे द्वारा दी गई सर्विसेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, ना ही आपको कोई यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज एप्लीकेबल होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी ही दूसरे वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।